नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पशुपालन विभाग में घोटाले और स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों में घोटाले को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। और इस दौरान प्राइम टीवी से खास बातचीत में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग में तबादले को लेकर सवाल उठाया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवाल उठाए हैं तबादले को लेकर और घोटाले को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिये, तबादले का एक उद्योग धंधा उत्तर प्रदेश में चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों की कमेटी बना दी, पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए तबादलों के लिए कमेटी बना दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार कमेटी को कॉमेडी बना रही है? पिछली सरकार में भी आप यही करते थे, कमेटियां बनाते थे, कार्रवाई कुछ करते नहीं थे। अभी भी आप कमेटियां बना रहे हैं, कार्रवाई कुछ होनी नहीं है। आप मुझे बताइए, विजय श्रीवास्तव डेंटल विभाग के कर्मचारी, 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उनका ट्रांसफर हो रहा है। अरुण यादव जी, 2021 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो रहा है। डॉक्टर दीपेंद्र सिंह सर्जन, मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, 13वीं के बाद ट्रांसफर हो रहा है। डिप्टी सीएमओ सुधीर चंद्रा, मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, 13वीं के बाद ट्रांसफर हो रहा है। सीनियर डॉक्टर जूनियर बन जा रहा है, जूनियर डॉक्टर सीनियर बन जा रहा है। एक एक पीएचसी सीएचसी में जहां पर एक एक डॉक्टर दो दो डॉक्टर हैं, वहां से भी आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। एक दिन में चार चार बच्चों की मौत हो जा रही है, कोई महिला चिकित्सक नहीं है प्रसव कराने के लिए। अमरोहा की घटना है। तो ये क्या है, ये मजाक उड़ा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का? महोबा में अस्पताल के अंदर चींटी खा ले रही है एक बच्चे को, उसकी मौत हो जा रही है, चींटी खा ले रही है बच्चों के विभाग में। सर, हाल ही में पशुपालन विभाग के अंदर में मांस एवं तमाम चीजों को कोल्ड बॉक्स को लेकर खरीदी में कुछ घोटाले के मामला सामने आया है, जिसमें अन्य प्रदेशों में देखा जाए तो वहां मूल्य कम है, उत्तर प्रदेश में उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है। इस पे आपके क्या? अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग डॉक्टर रजनीश दुबे की, और ये रजनीश दुबे की चिट्ठी क्या कह रही है? ये कह रही है कई गुना महंगे सामान खरीदे गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इनके विभाग का अधिकारी कह रहा है, और उसके लिए उन्होंने जांच की कमेटी बना दी। अब इसमें मामला क्या है? कोल्ड बॉक्स एक आइटम है जो 47,000 रुपए में मध्य प्रदेश में खरीदा जा रहा है, जहां बीजेपी की सरकार है। 59,000 रुपए में जम्मू कश्मीर में खरीदा जा रहा है, जहां पे बीजेपी के द्वारा बैठाए गए एलजी महोदय हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी के राज में 1,27,000 में वही आइटम खरीदा जा रहा है। आप इसको घोटाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 96 रुपए का एक मास्क खरीदा जा रहा है। ऐसे तमाम आइटम लिखे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चीज खुली आंखों से आपको गलतियां दिख रही हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए, कमेटी की कॉमेडी मत बनाइए। सर, आपकी तरफ से तिरंगा शाखा के तहत रविवार को कुड़िया घाट पे साफ सफाई की गई, और अगर देखा जाए तो ये पूरे प्रदेश में आप इसको फैला रहे हैं तिरंगा शाखा को, इसमें तमाम कार्य किए जाएंगे, नदिया की सफाई उसमें प्रमुखता से है। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यमुना दिल्ली से होके आती है और दिल्ली से दूषित होके आती है, तो क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से इसका गुहार लगाएंगे कि यमुना की सफाई वहां बेहतर ढंग से की, जैसे उत्तर प्रदेश का पानी भी की गुणवत्ता सही हो? यमुना की सफाई पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, दिल्ली में सरकार काम कर रही है। तिरंगा शाखा जो है हमारी यूनिट ऐसी है जिसपे हम तमाम रचनात्मक कार्यों को ले रहे हैं, तो हम उसके माध्यम से सफाई का अभियान चला रहे हैं। दिल्ली की हमारी सरकार यमुना की सफाई के लिए काम कर रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हाल ही के हुए घोटाले पे कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आपने देखा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।